एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक इस्लामनगर में स्थित तरक परोली गांव पड़ा। लगभग 3200 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 16 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान पूरनमल लोधी हैं। लगभग 1145 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में वर्तमान समय में लगभग 217 राशन कार्ड धारक है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 345 बच्चे अध्ययनरत हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 14 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से एक हैंडपंप को वर्तमान प्रधान द्वारा रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 45 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में सीसी टाइल्स रोड, 8 खडंजे, विद्यालय में मरम्मत कार्य व पानी निकासी के लिए नाली का भी निर्माण कराया गया है। वहीं वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, बारात घर, पंचायत घर, शमशान घाट, स्कूल की बाउंड्री, खेल का मैदान, स्वास्थ्य केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं पूरनमल ग्राम प्रधान तरकपरौली विकास खंड इस्लामनगर जनपद बदायूं। जो शासन के द्वारा पैसा मिला उसका मैंने वो ईमानदारी से 8 खरंजा, 2 नल, नए नल और एक प्राइमरी विद्यालय में शौचालय मरम्मत, जूनियर हाई स्कूल में शौचालय निर्माण और एक सीसी और 2 नए नल एक रिबोर कराया है। और अब भी हमारे गाँव में काफ़ी कमियाँ हैं विकास की, जो जनता से वादे करें वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। बारात घर भी नहीं है, पंचायत घर भी नहीं है, पंचायत लगाने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और मतलब ना ही कोई स्वास्थ्य सुविधा है स्वास्थ्य के लिए और बच्चों के लिए ना खेल का कोई मैदान है। और गरीब परिवार तो अभी तक मतलब कोई ना इंदिरा आवास बना किसी का, कम से कम लगभग 62-72 लोग नहीं, लगभग मकान कच्चे हैं अभी तक।